वापस हो, वापस हो, वापस हो। छात्र संघ बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। छात्र संघ बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। युद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। युद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत दुर्गा माता की जय। जय माता दी, जय माता दी। अभी हम मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यहाँ विश्वविद्यालय के आंदोलनरत छात्र हैं जो सामने देख रहे हैं, अनशनकारी छात्र हैं लगभग गेट के सामने ही। अपना दल एस की तरफ से भी छात्र हैं जो कर्मी अनशन से रूप से लगभग 15 दिनों से अनवरत अनशन के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शारदीय नवरात्र का शुभारम्भ हुई है और पूजा पाठ के साथ साथ ही इन्होंने छात्र आंदोलन में भी सहभाग लिए हुए हैं, अनवरत रूप से बैठे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका मोटिव क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की कलश स्थापना किया और विश्वविद्यालय के छात्रों के कल्याण के लिए और मंद बुद्धि कुलपति के कल्याण की उनकी सद्बुद्धि वापस आ जाए उसके लिए हमने प्रार्थना किया है। और हम लोग ने प्रार्थना किया कि उनके अंदर जितनी से जल्दी बुद्धि आ जाए और छात्रों की जो बड़ी हुई 400% की वृद्धि है वो तत्काल प्रभाव से वापस ले लें। जी, अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो फीस वृद्धि का जो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो किस पर पड़ रहा है? देखिए, फीस वृद्धि का सबसे ज़्यादा असर जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल राजकोट कहा जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण परिवेश के वंचित शोषित परिवार के बच्चे आते हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। ये केवल फीस वृद्धि केवल 1,000 से 4,000 की दृष्टि से ना देखा जाए, इसको आप जब देखेंगे हॉस्टल की फीस भी 15,000 से 45,000 कर दी गई है तो टोटल उनका जो छात्र का खर्चा है वो लगभग चला जाता है 1,00,000 से 1,50,000। एक साल में लड़का अगर 1,00,000 से 1,50,000 रुपये दे के बीए करेगा तो वो क्यों ना अपने घर पे के प्राइवेट डिग्री कॉलेजों से ही बीए ना कर ले। वो जो अपना गांव से ले के सपना आता है आईएएस टीचर बनने का और देश के बड़े प्रमुख पदों पे जाने का जो सपना लेकर आता है कहीं ना कहीं इन सपनों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और उनको आगे बढ़ने से रोकने की साजिश है। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। कुलपत तेरी ताना साहे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो।